नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। और आप जो ये मेरे पीछे मकबरा देख रहे हो, इसे चीनी के रोज़ा के नाम से जाना जाता है। इसका चीनी के रोज़ा नाम इसलिए पड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो पेंटिंग है, फिलहाल ये जो ख़त्म हो चुकी है पेंटिंग, ये जो इस पेंटिंग के होने के कारण इसका नाम चीनी का रोज़ा पड़ा था, जो चाइनीज़ों ने दिया था, इसलिए इसका नाम चीनी का रोज़ा पड़ गया। तो आप जो ये मकबरा देख रहे हो, ये शुक्रुल्लाह अफजल खान सिराजी का मकबरा है। उनको सिराजी इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो ईरान के सिराजा शहर के रहने वाले थे। ईरान में जो सिराजा शहर है, वहाँ से उनको बुलाया गया था। वो मुग़ल सल्तनत में एक दरबारी कवि थे बादशाह जहांगीर के टाइम पर। जब बादशाह शाहजहाँ का वक्त आया, जब बादशाह शाहजहाँ मुग़ल सल्तनत यानी मुग़ल साम्राज्य के बादशाह बने, सम्राट बने, तो उनके टाइम पर, बादशाह शाहजहाँ के टाइम पर, अफजल खान सिराजी जो थे वो उनके दरबार में एक वज़ीर आला यानी ग्रैंड वज़ीर थे। और दोस्तों, इस मकबरे के अंदर दो कब्रें हैं, एक अफजल खान सिराजी की है और एक उनकी बीबी की कब्र है। और दोस्तों, ये जो मकबरा है, ईरानी और पर्शियन आर्किटेक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, इस मकबरे को। और इस मकबरे की खासियत ये है, ये मकबरे यानी उज्बेकिस्तान और ईरान में जितने भी मकबरे बने हुए हैं, इसकी जो पेंटिंग है उससे मिलती है। मकबरा देख रहे हो, इनके मकबरे को देख सकते हो, इनके मकबरे पर उस टाइम की पेंटिंग की हुई है। और इसको पितरा जड़ाऊ एक कला होती थी, जिसको पत्थरों के तराश के बनाया जाता था। उस समय इस पेंटिंग करके यहाँ पर बनाया गया था। फिलहाल जो आप देख सकते हो, आधी ख़राब हो चुकी है और थोड़ी बहुत ये बची हुई है। फिलहाल इसमें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसमें काम चल रहा है, इसकी देख रेख को इसके द्वारा सुनिश्चित और बढ़िया किया जा रहा है। और आप देख सकते हो, ये जो मकबरा बना हुआ है, आप देख सकते हो, यमुना नदी के बगल में बना हुआ है, जो काफ़ी टाइम पहले मेडिवल टाइम पे बनाया गया था। और मैं आपको बता चुका हूँ एक बार कि अफजल खान सिराजी जो थे, एक ग्रैंड वज़ीर थे मुग़ल सल्तनत में बादशाह शाहजहाँ के दरबार में। उससे पहले ये बादशाह जहांगीर के टाइम पर एक राज दरबारी कवि हुआ करते थे। और इनको बुलाया गया था कहाँ से, ईरान के सिराजा शहर से, इसलिए इनको अफजल खान सिराजी के नाम से जाना जाता है। और बाद में इनको मुग़ल सल्तनत यानी बादशाह सम्राट शाहजहाँ ने इनको भारत का यानी मुग़ल सल्तनत का वज़ीर बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। और दोस्तों, अफजल खान सिराजी की जो है 1639 के टाइम पर लाहौर यानी आज के टाइम पर जो पाकिस्तान में है लाहौर, उस टाइम पर जो इंडिया में ही था, तो लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके शरीर को, सबको पार्थिव शरीर को लाहौर से आगरा लाया जाता है, उनको यहाँ दफनाया जाता है। और इस मकबरे में उनकी दो कब्रें हैं, एक कब्र उनकी अफजल खान सिराजी की है और एक कब्र उनकी बीवी की है। मकबरा है ईरानी और पर्शियन आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाया गया था। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें कई सारी कलाएं देखने के लिए हैं। और ज़्यादातर खास तौर पर इस मकबरे को पर्शियन आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसको हम फारसी आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो कला है, इस्लामी, इंडो इस्लामी सारी कलाओं से इसको बनाया गया था, लेकिन जो प्रमुख कला है इसकी, वो पर्शियन आर्किटेक्ट के द्वारा ही बनवाया गया था। क्योंकि इनका जो मकबरा है, चीनी का रोज़ा है, उज्बेकिस्तान में तैमूरलंग का मकबरा और ईरान में जितने भी मकबरे बने हुए हैं उनसे ये मेल खाता है। तो इनके मकबरे की जो पेंटिंग है, आप देख सकते हो इस पेंटिंग में, इस पेंटिंग के कारण ही इसका नाम चीनी का रोज़ा पड़ा था। फिलहाल आप देख सकते हो, ये पेंटिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ इसे बनाने की, लेकिन अब ये दोबारा बनने वाली नहीं है ऐसी पेंटिंग। फिलहाल इसको ASI और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले इसकी देख रेख कर रहे हैं, इसके फिर इसके पुनर्निर्माण में कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या होता है। कभी इस मकबरे में, ये समझिए, काफ़ी चार चांद लगाए गए थे, काबिल तारीफ था, लेकिन समय के साथ बदलाव होते होते इसकी केयर नहीं हुई, तो आज ये मकबरा इस हालत में है। फिलहाल ASI द्वारा इस मकबरे को दोबारा, दोस्तों मैं आपको इस मकबरे के बारे में बता चुका हूँ, चलिए और आपको अंदर से ये मकबरा दिखाते हैं। आइए मेरे साथ और हम आपको इस मकबरे को अंदर से दिखाते हैं, इसमें कितनी कब्रें हैं और किसकी कब्रें हैं। बना हुआ है उस टाइम पर, फिलहाल ये फवारा बंद हो चुका है, लेकिन ASI द्वारा इसको दोबारा चालू किया जाएगा। इस फवारे में फिर से पानी बहा करेगा, चला करेगा। दो कब्रें हैं,
दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दो कब्रें हैं, एक अफजल खान सिराजी की है और एक कब्र उनकी बीबी की है। और आप देख सकते हो अंदर से ये मकबरा काफ़ी खूबसूरत है, इसकी पेंटिंग भी ऐसे की ऐसी बनी हुई है। और आप मैं आपको दिखाता हूँ इस कमरे की दीवारों को, देखिए जो गुंबद बना हुआ है ये आज भी ऐसे की ऐसे ही बना हुआ है। इस पर कलिमात वगैरह और कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, फिलहाल जो अभी साफ दिख नहीं रही हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे से जीने के होते हुए यमुना नदी पर, और हम ये आपको दिखाते हैं यमुना नदी, और यहाँ से थोड़ी दूर है काला गुंबद। क्या आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर का, फिलहाल हम आपको उसकी तरफ। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी ऐसी अगली हेरिटेज और हिस्टोरिकल वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।